गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को जानते हैं, मैंने ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए स्टार्ट किया है और आज डे वन है, तो मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा ताकि आप उनको सीख करके अपने काम को ईजिली कर सकें। सो, अपने कीमती वक्त को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिखाए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, एंड मैंने उसके आगे मेंशन किया यूज ऑफ सम, यूज ऑफ सब्ट्रैक्ट, यूज ऑफ मल्टीप्लाई एंड यूज ऑफ डिवाइड। सो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम सम फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट का कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन कर लेता हूँ, रफली फिगर्स। कॉलम बी में भी मैं डाल देता हूँ एंड कॉलम सी में भी मैं कर देता हूँ कुछ डेटा मेंशन, कॉलम डी में भी। सो मैंने यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी में कुछ डेटा डाल दिया ताकि आपको मैं बता सकूं कि हम सम फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मुझे यहाँ पर सम फंक्शन का यूज करना है तो मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा, देन मैं यहाँ पे सम लिखूंगा। सम लिखने के बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी का सम करना है, तो मैं कॉलम ए पे अपने कर्सर से या माउस की सहायता से या फिर कीबोर्ड की सहायता से मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा, देन मैं प्लस का साइन दबाऊंगा, देन अगेन मैं लेफ्ट की एरो की सहायता से 250 को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉलम सी में 25 को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं कॉलम डी में जाके 4 रुपीज को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 729 रुपीज। सेम मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिखा, अगेन सम टाइप किया, सम टाइप करने के बाद मैंने एरो की सहायता से 650 को सिलेक्ट किया, देन 250, देन 25, देन 5 एंड मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 930 रुपीज। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड कॉलम्स हैं, सो ये इजी है कि हमने इनको वन बाय वन क्लिक करके हमने इनका रिजल्ट ले लिया, लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास काफी ह्यूज डेटा होता है एंड नॉट पॉसिबल कि हम वन बाय वन इन सभी एंट्रीज को क्लिक करके अपना रिजल्ट ले पाए, तो उस केस में हम क्या फंक्शन यूज करेंगे। उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू देन सम। सम लिखने के बाद मेरे को कॉलम ए से कॉलम डी तक का ही डेटा चाहिए, तो मैं कॉलम ए पे जाऊंगा, देन शिफ्ट एंड राइट एरो की सहायता से मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, मींस मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया कॉलम ए से लेके कॉलम डी 8 तक। सो जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 581 रुपीज। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं एरो की सहायता से 400 पे गया, शिफ्ट और राइट एरो की सहायता से मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 548 रुपीज। अभी आपने देख लिया कि सम फंक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ भी यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी मैंने सम लिखा, सम लिखने के बाद मैं 729 पे गया, शिफ्ट और डाउन एरो की सहायता से मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2788 रुपीज। अभी आपको सम का फंक्शन यूज करना आ गया होगा, मैं आपको सब्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ। मेरे को कॉलम ए में से कॉलम बी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इज इक्वल टू, देन मैं कॉलम ए पे जाऊंगा, एरो की सहायता से 450 को सिलेक्ट करूंगा, माइनस का साइन दबाऊंगा एंड देन कॉलम बी पे जाके 250 को सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 200 रुपीज। सेम मैं नीचे भी यही करूंगा, एरो की सहायता से 650 को सिलेक्ट किया मैंने, माइनस का साइन दबाया एंड मेरे को टू कॉलम बी में से 250 लेस करना है, तो वहां पे कर्सर ले जाके मैंने उसको सिलेक्ट किया एंड एंटर दबाया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 400 रुपीज। सेम इस पर्टिकुलर कमांड को रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और शिफ्ट की, शिफ्ट डाउन एरो की सहायता से हम इसको नीचे तक रिपीट कर देंगे, तो मेरे पास नीचे के कॉलम सेल्स में भी आंसर आ जाएगा।
अब मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। लाइक मेरे को कॉलम सी को कॉलम डी से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम इज इक्वल टू का प्रेस साइन करेंगे, देन मैं एरो की सहायता से 25 को सिलेक्ट करूंगा कॉलम सी में जा करके, देन मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करूंगा एंड देन कॉलम डी पे जाके मैं 4 रुपीज को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 100 रुपीज। अब सेम कंट्रोल सी की सहायता से मैं इस फंक्शन को कॉपी करूंगा, शिफ्ट और डाउन एरो की सहायता से मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास सभी सेल्स का आंसर आ जाएगा। सो होपफुली आपको सम सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई का यूज करना आ गया होगा, सेम ही डिवाइड का भी है। सो हम ये भी देख लेते हैं कैसे करना है। इज इक्वल टू लाइक मेरे को कॉलम बी को कॉलम सी से डिवाइड करना है, तो मैं कॉलम बी पे गया, 250 को सिलेक्ट किया, डिवाइड का साइन दबाया मैंने एंड उसके बाद मैंने एरो की सहायता से कॉलम सी पे जाकर 25 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 10 रुपीज। सेम मैं कंट्रोल सी की सहायता से इसको कॉपी करूंगा, शिफ्ट और डाउन एरो की सहायता से मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली आप सभी को सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का फंक्शन यूज करना आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड आप सभी से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।